Because you are welcoming online classes, so advanced in this kind of school. देखो भाई आज बात करते हैं सिस्टम्स की, जैसे एक टर्म है डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन का क्या मतलब है? व्हेन ए सॉलिड इज, व्हेन ए सॉलिड इज एडिड टू लिक्विड सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड ए डिजोल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको? डिजोल्यूशन बोलेंगे। अब डिजोल्यूशन है, एक वर्ड आता है इसमें क्रिस्टलाइजेशन। डिजोल्यूशन का पता चल गया भाई, कोई भी मान लिया चीनी है हमारे पास, वो हम शुगर बटर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? डिजोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। डालते एक वर्ड आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस, क्रिस्टलाइज द प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड गेट सेपरेट आउट, क्रिस्टल्स गेट ए सेपरेट, सॉलिड गेट ए सेपरेट। ठीक है, अब बात आते हैं, आगे बात करते हैं किसकी। एक वर्ड आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहता है? इसकी डेफिनेशन है व्हेन नो मोर, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। बराबर में लिख लेना, स्पेसिफिक टेम्परेचर का मतलब है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर और एड करके उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? व्हेन there is, when there is possibility of further, when there is possibility of further addition of solution, further addition of absolute डाले जस की और पॉसिबिलिटी हो उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। ठीक है, और सभी बात किसकी करेंगे? हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है भाई, अब आता है सुपर सैचुरेटेड। ये वर्ड जरूरी है मेरे लिए बोले, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड क्या होगा? When no more solute, no more solute can be dissolved even on heating। देखो गर्म करने से ना सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन कुछ कैसे होते हैं कि उनमें अगर हम क्या करें, सोल्यूट इवन ऑन हीटिंग हीट कर दे तब भी उसमें क्या हो और सोल्यूट ना डाला डाला जा सके, ऑन इवन ऑन हीटिंग, इवन ऑन ए। ठीक है भाई, ठीक है। एक लास्ट में बात थी इसमें कौन सी? सोल्युबिलिटी होता है। सोल्युबिलिटी
solubility. Amount of solute. Amount of solute that can be dissolved. That can be dissolved in 100 gram of a solvent. 100 gram solvent में जितनी solute की amount हम dissolve कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? Solubility. ठीक है भाई? ये term थी आगे हम next वो solubility को जो factor बात करते हैं उसके बारे में बताएंगे.